अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमजा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका 15 जुलाई कैसा रहेगा, आपका दिन सोमवार कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुर्जे हमल, आज आप खुद को मुस्तकबिल से परेशान मामला से निकाल लेंगे। तवील अरसे से मिलने वाले कर्जे की दरख्वास्त कबूल हो जाएगी। इस वक्त आपको मोहतात रहते हुए अपनी आमदनी को महफूज करने की जरूरत है। आपका बेहतरीन इंतखाब माली लिहाज से तवाजन को कायम करने में मदद देगा। सैर व तफरीह से मुंसलिक अखराजात थोड़े मुतासर हो सकते हैं। बुर्ज सौर, बुर्ज सौर से मुंसलिक अफराद के लिए आज का दिन काफी मुस्बत साबित होगा। आप में ऐसी ताकतें हैं जिनकी वजह से अपने ग्रुप्स आपस में जोड़े रखते हैं। माजी में की जाने वाली सख्त मेहनत से आपको आपके मुताबिक नताइज हासिल होंगे। जाती जिंदगी में साथी से कुछ परेशान हो सकते हैं और आपके इख्तलाफात छोटे छोटे मसाइल को खड़े कर सकते हैं। मुआमलत को खुशगवार बनाने के लिए काफ़ी सारा वक्त गुजारें, तब ही तवाजन को कायम रख सकेंगे। आपकी ज़िंदगी में ये तमाम उतार चढ़ाव आर्जी तौर पर है। बुर्ज जौज़ा, आप तल्लुकात को कायम रखने के लिए काफ़ी सारे कुर्बानियां देते हैं। आज के दिन आपको जो भी चीज़ मुतासर करती है उसे अपनी सवराती दुनिया में नज़रियात को फ़रोग देंगे। माली लिहाज से वक्त आप तवाज़न में ला सकते हैं। बजट के हवाले से मंसूबे बनाएं और इनके मुताबिक ही सरमायाकारी करें। सरमायाकारी से अच्छी आमदनी आपकी तजर्बे को और बढ़ाएगी और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। बुर्ज सरतान, शादीशुदा जोड़ों के दरमियान होने वाली तलखियां खत्म हो जाएंगी। साथी की जानिब से अपने जज्बात का इजहार किया जाएगा। मुस्तकबिल के हवाले से आपको काफी ज्यादा लचकदार इकदामात करने की जरूरत पड़ेगी। मुस्तकबिल के हवाले से आप बहुत मोहतात रहते हैं। आपके मतहत जितने भी लोग हैं वो मुकम्मल तौर पर आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। माली लिहाज से तब्दीलियों को फ़रोग देने के लिए ये बेहतरीन वक्त साबित होगा। बुर्ज असद, ये वक्त माली और पेशेवराना लिहाज से बहुत शानदार है, लेकिन ज़्यादा खर्च करने से भी परहेज करें। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपको अपने काम पर फोकस करने की जरूरत होगी। मोहब्बत के मामलों में आप गैर मामूली हद तक अपने जज्बात का इजहार करेंगे। आपकी सख्त मेहनत और काम के लिए खुद को मुकम्मल तौर पर वक्फ कर देना
आपके मकासद में तकमील को मदद देगा। अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए जाती जिंदगी को बेहतर बनाएं और इसको भी हासिल करें जो आप चाहते हैं। बुर्ज सुमला, तवज्जो के साथ पुरअज़म रहने की कोशिश करें। अपनी मुलाजमत के सिलसिले में बहुत सी तब्दीलियों को सर अंजाम देना चाहेंगे। नई जिम्मेदारियों के साथ साथ मामलात में काफी तब्दीलियां सामने आएंगी। माली लिहाज से आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। इधर उधर वक्त जाया ना करें और मार्केट में अपनी चीजों की खोज करें और इसे वक्त पड़ने पर इस्तेमाल करें। ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बुर्ज मिजान, आप में से वो लोग जो के साथी की सपोर्ट के मुंतजिर थे, उनके लिए दिलचस्प सूरतेहाल सामने आएगी। मुस्तकबिल के हवाले से आप सादा और नाजुक तरीके से चीजों से अपने लिए रास्ता निकाल लेंगे। किसी भी मुश्किल में आपके लिए कोई भी रुकावट नहीं होगी। आपके लिए नए दरवाजे खुल जाएंगे। बिजनेस से मुंसलिक अफराद के लिए सियासी इकदामात करना मुश्किल और भी मुश्किल होगा। माली लिहाज से खुद को तनाव से बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे। बुर्ज अकरम, आज आप जो भी वक्त अपने साथियों के साथ गुजारेंगे वो तल्लक को और भी मजबूत करने में आपकी मदद करेगी। अपने मुस्तकबिल के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा परेशान कुन साबित हो सकता है। मुकम्मल तौर पर अपनी तवज्जो अपने काम पर रखें। ताहम अपनी सरमायाकारी के नतीजे में आपको बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत होगी। जल्दबाजी में किए जाने वाले फैसले आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकते हैं। बुर्ज कौस, आप समाजी और सैरो तफरी को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे और वो आपकी तवज्जो का मरकज बनी रहेगी। अपने लिए नए रास्तों को खोलेंगे। जिस भी चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ रहा है वो आपके लिए मुस्बत तब्दीलियां लाएंगे। तकलीकी नजरियात को अपनाते हुए नए डिजाइन इर्द गिर्द लोगों को मुतासर करने का बाइस बनेंगे। आपकी माली पोजीशन काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। किसी भी सरमायाकारी करते हुए लापरवाही में आपके लिए नुकसान हो सकता है। बुर्ज जद्दी, जिंदगी में नज़्बो ज़ब्त को कायम करें और जो भी मंसूबे अपनी जिंदगी में करने के लिए तैयार थे उन सब को आप बहुत से इकदामात करने में कामयाब होंगे। शादी के लिए ये बेहतरीन दिन है। आपकी तवक्कुआत के मुताबिक बिल्कुल भी तब्दीलियां नहीं होंगी। मुस्तकबिल के हवाले से आपको थोड़ी पेचीदगी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ फैसलों के लिए आप गैर फैसला कुन हालात में रहेंगे, लेकिन परेशान होने की बजाय आप इसका हल निकालें। बुर्ज दिलू, मोहब्बत के मामलात में अपने जज्बात का इजहार करने से आपके तल्लुकात और भी मजबूत होंगे। बिजनेस से तल्लक रखने वाले अफराद के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद वक्त है।
شراکت داری آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنے کے بارے میں سوچیں گے۔ اس وقت میں کی جانے والی تمام قسم کی سرمایہ کاری آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ برج حوت، آج کے دن آپ مثبت صورتحال کو اپنے لحاظ سے دیکھ سکیں گے، اور ان سب کے باوجود آپ کے سامنے بہت سے طریقے آئیں گے جب آپ اپنی خواہشات کو یقینی طور پر پورا کر سکتے ہیں۔ مستقبل کے حوالے سے تبدیلیاں سامنے آئیں گی، اپنی حرکت کا منصوبہ بنائیں اور تمام غلط فیصلوں سے خود کو دور رکھیں۔ وہ لوگ ملازمت چھوڑ کر بزنس کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی ابھی اس ارادے کو ترک کر دینا بہتر رہے گا۔ مالی لحاظ سے اپنے لیے بہتر انتظام کے بارے میں سوچیں۔ آپ کی توانائی اور اچھی سوچ چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہماری نئی آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آسٹرو ویلیو کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔